हाँ जी, क्या बना रहे हो आज? कड़ी बन रहा है। कौन सी कड़ी बन रही है? राजस्थानी कड़ी। राजस्थानी कड़ी। अच्छा, कैसे बनाते हैं इसको? ये क्या है? ये लस्सी है। लस्सी मतलब बेसन की? बेसन, बेसन डाला है एक चम्मच। बेसन है और इसमें लस्सी है। अच्छा, इसको बढ़िया बना लिया हो। अच्छा, ये पालक है। पालक भी डालोगे? अच्छा, पालक है। ये तेल डालेंगे अब। ये तेल डालेगा। ओके, इन्होंने प्याज काट के रखे हुए हैं यहाँ पे। ये हमारे कंपनी के भाई हैं। ये अदरक लहसुन भी कूट के रखे हुए हैं। मसाले में क्या डालोगे? ये जीरा। अच्छा, जीरा पहले डालोगे? हाँ, जीरा। जीरा। अच्छा, ये राई है? हाँ, काली वाली राई। ओके, काली वाली राई डालेंगे। क्वांटिटी आप देख सकते हैं। ये राजस्थानी कड़ी बना रहे हैं हमारे भाई, कंपनी में काम करते हैं माशाल्लाह। और ड्यूटी के बाद खाना बनाने की तैयारी हो रही है। राजस्थानी कड़ी हम आपको बताना सिखाएंगे आज। फ्लेम भी इन्होंने जला लिया हुआ है, तेल गर्म होने के लिए रख दिया इन्होंने। गर्म हो जाएगा। अब आप इसमें राई और जीरा का फ़ौरन दे रहे हैं, डाल रही है। ये राजस्थानी स्टाइल है, आप देख सकते हैं। किचन में बहुत रश है, आवाज़ भी बहुत सारी आ रही होंगी, मगर मुश्किल नहीं है। ये है हमारे परदेश की लाइफ। दिन भर 8 घंटे ड्यूटी करते हैं और फिर शाम में खाना बनाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। देख सकते हैं आप ये। अच्छा, कितने साल हो गए आपको कंपनी में काम करते हुए? दो साल हो गए माशाल्लाह, 2 साल हो गए कंपनी में। अब ये देखो, डालेंगे प्याज डालेंगे इसमें। अब प्याज करीब कितना है? 2 प्याज बड़े साइज के। बड़े साइज के 2 प्याज डाला इन्होंने। थोड़ा इसको जलाएंगे ब्राउन होने तक। तकरीबन 1 मिनट हो गए हैं प्याज को भूनते हुए। अभी वो गिरेगा लहसुन कूटा हुआ। अब डालेंगे लहसुन अदरक कूटा हुआ इसमें। हरी मिर्च कूटा हुआ, इन्होंने गिलास में कूट के डाला था, पहले से रखा हुआ था। लहसुन कितने हैं लगभग? लहसुन 2 लहसुन। 2 लहसुन की कली है और अदरक 1 इंच के टुकड़े। हाँ, 1 इंच का टुकड़ा। 2-4 10 पीस मिर्ची। अच्छा, 10 हरी मिर्ची डाले इन्होंने। अब मिलाएंगे इसको, थोड़ा पकेगा, ब्राउन होने तक इसको पकाएंगे इसको प्याज को। आप देख सकते हैं कंपनी ने ये सब चूल्हे दे रखे हैं हमारे। ये है परदेश की लाइफ। शाम का वक्त है और ये हमारे भाई साहब बना रहे हैं। इन्होंने हाई फ्लेम किया हुआ है, हाई मीडियम हाई पे है। मीडियम हाई बल्कि हाई पे ही फ्लेम है ये। प्याज लगभग हो गया है। अभी मैं हल्दी गिराएगा। अब इसमें हल्दी डालेंगे। कितना हल्दी डालेंगे? एक चाय की चम्मच। ये इतना थोड़ा लाल मिर्च। ये लाल मिर्च डालेंगे एक चाय की चम्मच। हाँ, आधे चाय की चम्मच, पौना चाय की चम्मच है। इसमें हल्दी गया। अब डालेंगे मिक्स मसाला है। मिक्स मसाला डालेंगे। ये पूरा मिक्स, ऑल मिक्स रहता है इसमें, सब गर्म मसाले वगैरह मिक्स रहते हैं। एक चाय की बड़ी चम्मच भर के पूरा डाला इन्होंने। और एक चम्मच ये धनिया पाउडर डालेंगे। ये एक चम्मच धनिया पाउडर गया इसमें। देखें, बेहतरीन दिख रहा है। अभी पकने के बाद और बेहतर दिखेगा। हाँ, इसको थोड़ा भूनेंगे, लगभग 2 मिनट तक इसको भूनेंगे इसमें, प्याज में और मसाले में। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन कलर आया हुआ है। अभी इसमें टमाटर गिरेंगे। अब टमाटर डालेंगे इसमें, इसी स्टेज पे टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर पकेगा, टमाटर को एक लगभग 2 मिनट पकाएंगे। हाँ, ये लगभग अब तैयार हो चुका है। अब हमारे भाई साहब इसमें पालक डालेंगे, मोतीलाल भाई पालक डालेंगे इसमें। अब ये पालक गया। पालक कितना है? एक बंच, यानी एक मुट्ठी पाव किलो। कम से पाव किलो की एक बंच आती है और पाव किलो की पालक ही है।
जाएगा। इसको चलाएंगे, इसको भी दो मिनट लगभग भुनेंगे, दो तीन मिनट इसको भी भुनेंगे गलने तक। ये बेसन और लस्सी जो दुबई में रहते हैं उनको मालूम है कि छोटी छोटी लस्सी आती है लबन की, उनका इन्होंने बैटल बनाया हुआ है। बेसन कितना डाला है आपने? एक चम्मच बेसन डाला इन्होंने और इसको बैटल बना के रख दिए। लगभग अब रेडी है ये, क्या डालेंगे इसमें? अच्छा, अब लस्सी डालने के स्टेज पे आ गया ये जो बैटल बना के रखा है इन्होंने। ये गिरा रहा, ये गया लस्सी इसमें, बेसन और लस्सी का मिक्सर गया इसमें, बेहतरीन देख सकते हैं आप व्यूअर्स। अच्छे से लगभग कितना पकाएंगे आप? हिलाएगा ये जब तक उफन नहीं आएगा, मतलब हिलाते हुए पकाना है इसको लगभग 5 मिनट तक, उबलने तक, जब तक उफन नहीं आएगा इसको हिलाते हुए कम से कम 10 मिनट उबलने तक इसको पकाते रहेंगे। मेन कमाल इसका चलाने का ही है, चलाते हुए पकाना पड़ेगा वरना ये फट जाएगा। तो इसको लगभग चलाते हुए 10 मिनट तक बनाएंगे, 10 मिनट तक इसको पकाएंगे, आप देख सकते हैं। अभी तक हाई फ्लेम ही है, हाई फ्लेम पे ही पका रहे हैं इन्होंने, आप देख सकते हैं हाई फ्लेम है, थोड़ा पक रहा है। कढ़ी को चलाते हुए 5 मिनट लगभग हो चुका है, आधा तैयार हो गया है कढ़ी। ये सब कमाल चलाने का ही है इसमें। ये हमारे मोतीलाल भाई हैं, देखें बेहतरीन राजस्थानी कढ़ी बनाते हैं, जो राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। अच्छा व्यूअर्स, मैं एक बात बताना ही भूल गया, आप सोच रहे होंगे कि नमक कब डालेगा। असल में इन्होंने जब अदरक लहसुन कूटा था उसमें ही इन्होंने नमक मिला दिया था, हसब जायका, अपने जायके के मुताबिक इन्होंने नमक डाल दिया था। अब ये लगभग तैयार होने के कगार पे है, उफान आ रहा है, उबाल मार रहा है। कितना टाइम लग जाएगा अभी फ़िलहाल इसको? 5 मिनट अभी मज़ीद 5 मिनट बनाएंगे इसको। उफान आ गया, उबाल आ गया है, हाँ उबाल के आने तक फिर 5 मिनट और बनाते रहेंगे। फ्लेम को थोड़ा कम करेंगे, मीडियम लो पे कर दी उन्होंने फ्लेम को, उबाल आ गया है। अब इसको हिलाते रहेंगे कम से कम 5 मिनट तक, बस हिलाने का जरूरत नहीं है। और एक और व्यूअर्स, मज़े की बात है कि उबाल जब आ जाता है तो आप नहीं भी चलाएंगे तो ये नहीं फटने वाला, उबाल आने तक इसको चलाते रहना है ताकि ये फटे नहीं। अभी उबाल आ गया है, अगर ये नहीं भी चलाते हैं तो ये, हाँ अब निकाल दी उन्होंने। अब 5 मिनट तक हल्के आंच पे, मीडियम हाई पे बना रहे हैं, अब पकने देते हैं आराम तक। ये पान मार रहा है, अभी चेक कर रहे हैं, कब तक चेक करेंगे इसको मोतीलाल भाई? दो मिनट तक थोड़ा चेक कर रहे हैं कि कब उतारेंगे। ऑलमोस्ट रेडी है ये, बस इनका चेक करने का अंदाज़ तरीका अलग है, चेक कर रहे हैं कब उतारना है, कब बंद करना है चूल्हे को। ऑलमोस्ट रेडी है, मगर अभी आटा निकाल रहे हैं रोटी बनाने के लिए, क्योंकि इनका काम है, कुछ बंदे इनसे रोटी लेते हैं, मैं भी लेता हूँ, अब रोटी बनाएंगे ये। अच्छा, ये कितने आदमी के लिए आटा आपने लिया है? 5 आदमी के लिए, दो रोटी 5 आदमी के लिए, ये आटा 5 आदमी के लिए हिसाब ये। आटा गोद रहे हैं हमारे भाई साहब, उधर कढ़ी तैयार हो रही है, इधर आटा गोद रहे हैं रोटी के लिए। ये है परदेश की लाइफ, देख सकते हैं। ये आटा रेडी है ऑलमोस्ट रोटी बनाने के लिए, कढ़ी रेडी हो गया, कढ़ी रेडी है, हाँ रेडी है, देखो देख सकते हैं आप, ये कढ़ी रेडी है, नॉर्मल टाइप है, बेहतरीन है, देख सकते हैं आप ये कढ़ी रेडी है। अब फ्लेम बंद करेंगे आप, ये देखो नॉर्मल टाइप है, उठाओ, ये देखो ये कढ़ी हमारा बनके तैयार है। लगभग इस कढ़ी को बना के हमें कितना देर, आधे घंटे लगे ना बनाने में, इस कढ़ी को बनाने में हमें आधे घंटे लगे। ये धनिया गिराएंगे इस पर गार्निश के लिए, आप देख सकते हैं इसकी कलर और खुशबू। ये है राजस्थानी कढ़ी दोस्तों, ज़रूर ट्राई करें। सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छा कढ़ी, अभी ये हमारे भाई हमें टेस्ट कराएंगे, सर्व कर रहे हैं, देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन कलर है। कड़ी रेडी हो गई है बिल्कुल। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का वीडियो, हमारे परदेश की किचन कुकिंग, और ये हमारा लाइफ है, हमारी ज़िंदगी है।
ऐसे ज़िंदगी गुजारते हैं हम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। हमें सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। अपना ख्याल रखें।